नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच एग्जाम प्रिपरेशन में। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि दो नंबर का किसी भी एग्जाम में जो जिसमें हिंदी आएगी उसमें देखे जाएगा आपको। हिंदी में लिंग पहचानने को एक टॉपिक है, वो आता है हिंदी में लिंग या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके लिए मैंने एक बहुत ही दो सेंटेंस बनाए, मास्टर सेंटेंस। उस मास्टर सेंटेंस को अप्लाई, किस कोई भी शब्द आए उस मास्टर सेंटेंस पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए मैं समझाता हूँ। स्त्रीलिंग, हिंदी में लिंग की संख्या जो है वो दो है। रूल पढ़ना अब नहीं पड़ेगा आपको, जैसे कि पहले पढ़ते थे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हो तो रूल बहुत सारे रूल आते हैं। जैसे लिख के आता है ग्रहों के नाम में सारे पुल्लिंग होंगे, पर पृथ्वी एक अपवाद है जो स्त्रीलिंग होगा। दाल के सारे नाम स्त्रीलिंग होंगे, द्रव्य सामग्री जितनी है वो ऐसे करके बहुत सारे रूल बनते हैं, तो रूल को अब नहीं पढ़ना है। 99% जो है, मैं दो सेंटेंस बताता हूँ, 99% उसको उस सेंटेंस पे अगर वर्ड अप्लाई करेंगे, शब्द अप्लाई करेंगे तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस है स्त्रीलिंग पता करने के लिए, सेंटेंस आप याद कर लीजिए, मेरी अच्छी है। ये जहां पे ये डैश डैश लगा रखा मैंने, यहां पर शब्द को फिल कर दीजिएगा। ऐसे पुल्लिंग के लिए मेरा डैश डैश अच्छा है, इसको डैश डैश जहां पे लगा है जो भी शब्द आए उसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, या यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो भी सेंटेंस बन जाए, समझ लेना वही उसका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जिस भी सेंटेंस में वो वर्ड फिट हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। जैसे कि बोला जाता है दाल जितनी है वो स्त्रीलिंग है, रूल पढ़ने की जरूरत क्या है, आप अप्लाई करके देखिए ना, मेरी दाल अच्छी है। देखिए मेरी दाल अच्छी है, सेंटेंस बन रहा है, टिक लगा दिए, स्त्रीलिंग है। अब यहीं पे दाल को यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए, मेरा दाल अच्छा है, बन रहा है मेरा दाल अच्छा है, तो ये पुल्लिंग हो ही नहीं सकती, दाल तो स्त्रीलिंग होगी। ऐसे ही आप अप्लाई करके एक और मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसे ही आपको 99% जो वर्ड है शब्द जो है वो अप्लाई इन दो सेंटेंस पे करेंगे, 99% आपको ये मिल जाए। 1% जो है वो मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक पे आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पे करेंगे तो वहां पे मैंने एक PDF बना रखी है, जो 1% है जिसपे ये सेंटेंस नहीं फॉलो करता उनको आप पढ़ लीजिए एक बार। जब 99 तो आपके लिए है ही है, 1% अगर कोई आ भी जाए तो आपको वहां से देख लेना है आपका सारा का सारा लिंग, जो टॉपिक है हिंदी में लिंग जो दो नंबर का कम से कम आता, हर एग्जाम में आता, बार बार आता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी पूछ कहा जाता है, रूल आता है कि ग्रहों के नाम जो है पुल्लिंग में है, बस इस पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम स्त्रीलिंग में आता है। देख देख लीजिए, अप्लाई कर ली इन दोनों में से, मेरी पृथ्वी अच्छी है, देखिए सेंटेंस बन गया ना, मेरी पृथ्वी अच्छी है। अब यहीं पे पृथ्वी को यहां पर उठा के देख लीजिए, मेरा पृथ्वी अच्छा है, बन रहा ना सेंटेंस, मेरा प्रतिभा अच्छा है, कुछ नहीं बन रहा ना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ये पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी या मेरा के आगे जो फिल द ब्लैंक हो उसमें आपको शब्द को फिट करके देखना है, कोई भी सेंटेंस इस दो मास्टर सेंटेंस को याद कर लीजिए, अपना काम बना लीजिए। अब देखिए यहीं पे दही, दही बहुत बार पेपर में पूछा भी गया, इसीलिए मैंने दही और कैमरा भी लिख रखा है, बहुत डाउट में रहता है, मेरा दही अच्छा है, मेरा दही अच्छा है, बन रहा ना सेंटेंस। अब देखिए मेरी दही अच्छी, ये सेंटेंस नहीं बन रहा ना, तो दही जो होगा वो पुल्लिंग में होगा। ऐसे ही कैमरा को अप्लाई करके देख लीजिए, कैमरा, मेरा कैमरा अच्छा है, बन रहा ना सेंटेंस। अब इधर कैमरा, कैमरी, मेरा कैमरा, मेरी कैमरा अच्छी, नहीं बन रहा ना सेंटेंस। तो जिसमें शब्द, तो पता आपको क्या चला है, जिस इन दो वाक्यों में फिट करने पर, शब्द रखने पर, डैश वाले जगह पर शब्द रखने पर जो सेंटेंस बन जा रहा है, जो वाक्य बन जा रहा है, समझ लेना उसी का वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है,